सैस्कैन टेक्नोलॉजीज, अगेन ये स्टॉक भी देखिए आज आईटी स्टॉक्स, हालांकि पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा बहुत माहौल बना रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आईटी स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं और अच्छे खासे लेवल्स पे है, वैल्यूएशन सस्ते हैं। समय देना पड़ेगा, हो सकता है कि 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, जो भी समय देना पड़े, बट आईटी स्टॉक्स विल ऑल्सो बाउंस बैक। और जब वैल्यूएशन कंफर्ट मिलता तो सबसे बढ़िया बात है कि उसी सेक्टर से कुछ स्टॉक्स दिया जाए। तो मैंने देखा कि लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे इसलिए सैस्कैन को लाऊं, और बेहतरीन कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है, एक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कंपनी है, और इनफैक्ट प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इंडिया में अच्छा खासा कई सालों से कंपनी कार्यरत है, और सेमीकंडक्टर्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज और ये सब के लिए सर्विसेज, R&D सर्विसेज मुहैया करवाती है। तो सेमीकंडक्टर वर्ड लगते ही थोड़ा सा वैसे ही पंख लग जाते हैं, तो वैसा ही ये स्टॉक है। और 12-13 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है। सिर्फ 2.5% का डिविडेंड यील्ड है, 25% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, और पिछले 5 साल की प्रॉफिट की कैगर भी 16-17%, और 7 साल की तो आप देखेंगे तो 27-28%, और ऊपर के लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हुआ। 1376 के लेवल्स थे, वहां से बिलो 1000 लेवल्स है, तो इसलिए और ज्यादा कंफर्ट आता है। और सबसे बढ़िया बात है, अगर मैं सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखूं तो वो भी अच्छे रिजल्ट्स मानूंगा मैं। 37 करोड़ का पैट था पिछली बार, उसके सामने 38 करोड़ का पैट है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर्स के अलावा काफी FIIs, DIIs और ये लोग सब इन्वॉल्व है, और अच्छा खासा शेयर होल्डिंग उनकी भी है, करीब 18-19% तो FIIs की है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और डाउनसाइड रिस्क मुझे कम लगती है क्योंकि करेक्टेड लेवल्स है, और 1030-1050 के टारगेट के लिए।